पता लगता है कि हमें वहाँ पे चाय मिलेगी कि नहीं? जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं तो चाय देखो। हाय सभी, डर लग रहा। तो यहाँ का जयपुर का जो गांव एरिया है, तो यहाँ का रिवाज बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। टेस्टी चाय था कि कोई एक दूसरे को देने को भी तैयार नहीं था। हम घर से निकल चुके हैं, यहीं पास में एक गांव है छोटा सा, तो वहीं पर एक रहती हैं दूध वाली आंटी। उन्होंने अपने घर बुलाया था हमें अपने खेत घुमाने के लिए, तो वहीं पे हम सब लोग जा रहे हैं अभी। और बच्चे आगे भाग भाग के जा रहे हैं, सारे सभी जा रहे हैं। तो शाम के 5 बज रहे हैं, हम सब चल रहे थे तो गाय आ गई है, तो सबको डर लग रहा। ये लोग बहुत डर रही हैं, देखो। है सभी, डर लग रहा। गाय चल लग गई है और नुचंगे लग गई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ जयपुर में, तो थोड़ा हम लोग घर से बाहर निकले घूमने के लिए, तो जा रहे थे कहीं और। कहाँ जा रहे थे बीनस? जा रहे थे अक्षय धाम मंदिर और मोती डूंगरी जा रहे थे। हाँ तो जा रही पाए हैं। अच्छा तो हम लोग बहुत प्यार से बुलाया। अच्छा तो गाड़ी कहीं बाहर गई हुई है तो इसलिए अभी नहीं जा पाए, तो सोचा चलो आंटी के यहाँ ही घूम आए। सब तैयार थे तो बैठे हुए घर में अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो सोचा चलो घुमा लाए, मतलब मैंने बीनस ने सोचा। और यहाँ का खेत देखा गए हैं, क्या कहते हैं हाँ यहाँ थापड़ी कहते हैं इसे, ओपलो को। हाँ ये थापड़ी है, थापड़ी कंडा ओपले थापड़ी। और शिवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवाजी बोलिए। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये गेहूं चालने का मशीन है, मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ बहुत सारा खाद गोबर इकट्ठा किया गया जो शायद खाद बनाया जाएगा। ये यहाँ मुझे एक अलग पक्षी भी दिखा है, कौवे की तरह है, पर वो कौवा नहीं, बस वो कौवा नहीं है, वो हमें देख के भाग गया यहाँ से। और भी खूबसूरत लग रहा है, सुबह फिर उगेगा यही सूरज, बहुत ही सुंदर नजारा लेके। तो ये राजस्थान की बकरियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। शहर से हटकर है थोड़ा, और ये गांव का घर है देखिए। तो ये राजस्थान जयपुर नेवटा गांव का नजारा आप देख रहे हैं। यहाँ के पेड़ कैसे हैं? ये कटिंग हुई है पेड़ों की? यहाँ के पूछना चाहूंगी कि जिनके घर हम जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमें वहाँ पे चाय मिलेगी कि नहीं? जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं तो चाय की उम्मीद से ही जा रही हूँ, शाम का समय हो रहा है, तो चाय मिले ऐसे मैं पूरी आशा रखती हूँ। चाय पीजिएगा तो चाय के साथ फाइन मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहता। हम सबको फाइन बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमने वीनस दीदी की जो दूध वाली आंटी है उनके यहाँ पहुँच चुके हैं, ये उनका घर है। ये देखिए ये उनकी गाय भैंस है पीछे, और ये हमारे शिवाजी बता रहे हैं कहाँ बंधी है गाय भैंस उनकी। हाँ, उस तरफ गिलास का सिस्टम नहीं है, हाँ, हाँ। उसी तरह पानी पिया जाता है, पीने बहुत अच्छा पानी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी ऐसे सर्व करने का तरीका ये मुझे सही लगा, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही पानी की इतनी कमी है, और अगर ये इस तरह पानी देते हैं तो इससे पानी की बचत होती है, क्योंकि गिलास का पूरा पानी कोई नहीं पीता है और इंसान छोड़ देता है जिससे वो वेस्ट हो जाता है, तो ये अच्छा तरीका है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा ना। शूज में क्या पड़ गया देखो, शूज अपना साफ कर रही है, धूल भर गया शायद शूज में, अपना शूज उतार दी है ये देखो, और झाड़ रही है, झाड़ साफ कर रही ना सूज। बस बस अब पहनो, चलो पहनो पहनो जल्दी पहनो पहनो, उतारो मत। क्या क्या आप थारू का नाम थारू 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 का नाम छे छे ज़्यादा करके आप कहीं जा रहे हैं ना तो मैं बुलाऊंगी, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, कैसे बोलेंगे? अंडे आ जाओ, अंडे आ जाओ, अंडे आ जाओ, अंडे आ जाओ। नमस्ते को क्या बोलेंगे?
नमस्ते। खंभागढ़ी कहाँ बोलता है फिर? खंभागढ़ी हम तो नहीं बोलते, ढोक ही देते हैं हम तो। कैसे ढोक दे? ढोक प्रणाम? नहीं नहीं नहीं, मुझे वही सीखना है। ढोक देते हैं ऐसे दादाजी, तो पंजाबी आती तो मैं बोल रही हूँ। दुबई दुबई को हमारे मतलब ब्याड़ू बोलते हैं। ब्याड़ू ज्यो 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 ना ब्याड़ू कर लो, ब्याड़ू कर लो, खाना खा लो। ज्योति किसे? ज्योति मतलब खाना खाएंगे ना तब ब्याड़ू ही बोलते हैं। दिन में? दिन में मतलब कलिया कलिया। हाँ। कैसे बोले? कलिया कलिया कर लो। हाँ, आजाओ कलिया कर लो, कलिया जिसे आ, कहा जाता है। हाँ, हाँ, थोड़ा सा यही सब हुआ कि यक्के भाषा हम लेकिन हम तो ऐसे ही बोलते हैं खाना खा लो आ जाओ। नहीं, अपनी भाषा को थोड़ा वो देना चाहिए। मतलब दादाजी और पापा जब तुम नहीं बोलोगे ना तो आने वाली पीढ़ी नहीं उसको बोलेगी। ऐसा हमारी पहाड़ी भाषा भी लुप्त होती जा रही है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी उसको बोली नहीं रही है। हम लोग तो अयोध्या के हैं, ये लोग तो अपना फोटल भाषा बोलते हैं, चाहे कहीं भी जाए हम लोग बोलते हैं, अपना सब बोलते हैं, अपना अवधी बोलते हैं। हम जानते हो क्या, हम अयोध्या के हुई, ये अयोध्या हुई है, समझ वही है रहे हैं अयोध्या की बोले। जैसे कि हम अयोध्या के हैं तो हम अयोध्या के हुई, तो ये मुस्कान का कहना है कि अपने लोग अपने भाषा को बढ़ावा दो, अपनी भाषा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। ये वीडियो खाली वहां तक में जहाँ तक इनके एरिया रही है, उठिए ना तो छोड़ के आप दुबई वाली भाषा नहीं। अच्छा बताइए, ये हमारे यूट्यूबर हो चुके हैं आज के लिए बस। अच्छा, बहुत दिन के लिए हो चुके हैं, बहुत दिन के लिए, बहुत दिन के लिए है ना, सब लोग देखेंगे। तो आज का संवाद हमारा हमारी जो दुबई वाली लड़की के साथ हुआ है, तो उन्होंने हमें राजस्थानी अपनी मारवाड़ी भाषा का बहुत अच्छा जानकारी दिया है और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और जो इनका ये खुला घर है, आजकल कैसे छोटे छोटे घरों में सब रहने लगे हैं और गांव में सारी सुविधा है, कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है। गांव कहने का गांव रह गया लेकिन इनके पास सब कुछ है, इनका सेहत भी है, स्वास्थ्य भी है, बढ़िया खाते पीते भी है और सब कुछ जानते भी है। सही बात, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ का सिलबट्टा देखिए कितना चौड़ा है, मेरे यहाँ भी चटनी पीसता है सिलबट्टे में, इन्होंने इसमें सारी लाल चटनी पीस रखी है और ये इसका भट्टा है। ये किचन है, किचन भी पाए थे, ठंड भी लग रही थी और ये चाय भी मिल गई है। बहुत टेस्टी चाय है, अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी चाय है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। और किसने बनाया है? इन्होंने बनाया है। ये मुंह पे क्यों बांधे रहती पहले ये बताओ। ना अच्छा झाड़ू, अच्छा झाड़ू तो धूल मिट्टी यहाँ बहुत रहता है ना, तो झाड़ू वगैरह लगाती है तो इसलिए फेस पे अपने कपड़ा बांध के रखती है। सही है, बहुत सही बात है। और ये मेरी चाय है और बहुत टेस्टी चाय है। कब बोलते हैं? कब? हाँ तो कब हम लोग नहीं बोले तो नहीं नहीं कब है, गिलास भी है हमारे वो कांच के, ये देखो ये भी को खेलने का मौका मिल गया मिट्टी में, वो भी बिना चप्पल के चाय पी चुकी है। और इतना टेस्टी चाय था कि कोई एक दूसरे को देने को भी तैयार नहीं था, इतने लालची हो रहे थे चाय के लिए। जयपुर के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं सारे। लाली को नाली भर गई है, रखियो बला झूले लाला कलंदर। देखो यहाँ के रीति रिवाज के बारे में सब पता कर रहे हैं इन लोगों से, रिवाज बहुत अलग है। और ये दीदी मतलब आप कुर्सी हम लोगों ने कहा तो बैठ गई है, वैसे बैठती नहीं, कहती हमारे आसपास जेठ जेठ जी ससुर और बड़े लोग हैं तो उनके सामने हम नीचे चटाई बिछा कर ही फर्श पे चटाई बिछा कर या कुछ डालकर ही बैठते हैं। तो यहाँ का जयपुर का जो गांव एरिया है तो यहाँ का रिवाज यही है। और ये भी देखो रोने लगे, अपनी माँ को पड़ा अब देखा है, इनमें से तीन नहीं गए थे, ये नहीं, नहीं, हम नहीं जाते, हम नहीं चढ़ते हैं। अरे चढ़ो, आ जाओ।
चलो कह रहे चलो अपना घर दिखा रही दिखा रही अरे इनका ड्रेस है यहाँ का पहनावा पारंपरिक पहनावा यही है और साड़ी वगैरह कभी खास मौके पर कभी पहनते हैं नहीं तो अभी नहीं पहनते हैं और अंधेरा हो चुका है और यहाँ के पेड़ पौधे थोड़ा सूखे रुखे से होते हैं पत्तियाँ बहुत झड़ गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं बहुत मीठा बोलते हैं। ये खेत है चारों तरफ इनके बहुत दूर दूर तक खेत ही है ये हमारी तो देखने के लिए गर्मियों में खूब अच्छा लगता होगा ना रात में भागा लुगड़ी अच्छा चुन्नी पाँच पाँच छह छह हजार तक का भी आता खाली चुन्नी चुन्नी अच्छा तो हम लोगों ने बहुत टेस्टी टेस्टी यहाँ चाय पी है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तो इनसे विदा लेंगे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है तो हम लोग चल रहे हैं चलो एक थोड़ी घगरा चोली मांगा थी चले फिर कभी मिलेंगे मुलाकात होगी भगवान चाहेंगे तो परसों घूमने घूमने जाएंगे तो फोन करेंगे चल रहा है चल रहा है चलो 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 हम लोगों ने कंचन को छोड़ दिया कंचन बहुत बातें उन लोगों से कर रही है ये कंचन देखो अपना पूरा परिचय दे रही है एरोप्लेन से आएंगे तुम्हारे घर नहीं इनके घर एरोप्लेन से चलो हम लोग जा रहे हैं आएंगे तो तो कोई बात नहीं चलो हम लोग इनके घर से जा रहे हैं देखो बहुत मेहनती होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं मैं तीन चार जगह की भाषा सीख चुकी हूँ थोड़ी थोड़ी तो मैं सब मिला देती हूँ आपा राम राम करांगे राम राम सा वहीं बिहारी वहीं भोजपुरी वहीं सब मिल जाते हैं वो अलग भाषा बन जाती है वो एक नवा भाषा के इन्वेंशन हो जाते हैं और जो हम कहना चाहेंगे आपा चाय बड़ा अच्छा लगा सा चाय की तारीफ करूँ मैं तो अनु सो टेस्ट लगा सा शब्द नहीं बचाए किसी देश का मेरे पास तो जैसे हम लौट के आ रहे होते हैं जिया जी की कॉल आती है की गाड़ी आ चुकी है और हम लोग फिर प्लान बनाते हैं कहीं आसपास ही घूम के आते हैं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी हम लोग कहाँ घूमने गए और हमने कितनी मस्ती करी और वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी और जहाँ हम गए थे वो जगह बहुत ही शांत थी तो नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखें हमने कितनी मस्ती करी वहाँ भी जैसे हमने यहाँ मस्ती करी थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन